हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज से अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको मॉर्निंग और इवनिंग में सी टेट की प्रैक्टिस यानी अभ्यास करने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के 10-10 क्वेश्चन मॉर्निंग में और 10 क्वेश्चन इवनिंग में करने को मिलेंगे। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को देखें वो सभी विद्यार्थियों को वीडियो के अंत में यह बताना होगा कि आप कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सटीक दिए हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है पुरस्कार एव दंड सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों स्वाभाविक प्रेरक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, कुछ सहायता की। तो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं जो इसका राइट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे विशेष सहायता की, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 अतिरिक्त सहायता की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास जो कि जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई थी, तो यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में उसका विकास बेहतर तरीके से कहाँ हो सकता है, घर में, खेल के मैदान, विद्यालय एवं पर्यावरण में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय एवं पर्यावरण में। नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। वह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, वह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 4 है, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। थॉर्नडाइक जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयास या अपना सिद्धांत जो दिया वो दिया बिल्ली के ऊपर, TAP, तत्परता, प्रभाव और आपका अभ्यास। तो इसमें हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यह नहीं है। बाकी तीन उन्होंने दिए थे, प्रयास एवं त्रुटि, उद्दीपन अनुक्रिया, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये आपने 3 दिए थे, पहला नहीं दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो स्किनर थे वो एक व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना सिद्धांत कबूतर के ऊपर दिया। तो ऑप्शन नंबर है पहला सदनात्मक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ज़्यादातर विद्यार्थी वो लगाएंगे क्रिया प्रसूत के नाम से जाना जाता है, लेकिन सदनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीब रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय से नीचे आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों पॉइंट आते हैं। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सटीक और सही दिए हैं, और अपने मित्रों के साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।